मैं हूं निगहत असलम और पाकिस्तान के तहसीबी सिलसिले को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की तीसरी तहसीब वादिये सिंध की तहसीब तक हम पहुंच चुके हैं, जिसका तारुफ पहले पेश किया जा चुका है। आज की वीडियो में वादिये सिंध की दरियाफ्त कैसे हुई और जेरे ज़मीन शहर किस तरह से खुदाई करके निकाले गए, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप पाकिस्तान की तहसीबों से आगाह हो सकें। आज के मौजू की तरफ आते हैं, वादिये सिंध की दरियाफ्त। एक वक्त था जब यह तसव्वुर आम था कि तमाम अहम शहरों का ज़हूर पाको हिंद में 2000 कबल मसीह में हुआ था, और ये यकीन किया जाता था कि इन शहरों को आर्यन के अबाउ उस्ताद ने तामीर किया था, जो हमलावरों की सूरत में शुमाल मगरब की तरफ से वादिये सिंध में दाखिल हुए थे, और 1500 कबल मसीह के बाद तक ये लोग मकामी लोगों से लड़ते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वादिये सिंध से वादिये गंगा की तरफ बढ़ गए और वहाँ उन्होंने शहरों की बुनियाद रखी। आर्यन से पहले के लोगों के बारे में एक आम तसव्वुर ये था कि वादिये सिंध के लोग तहजीबी लिहाज से आर्या से बहुत पस्त थे और आर्यन ने भी इनको दासियों का नाम दिया था। आर्या इनको बहुत हकीर समझते थे। आर्या ने ऋग्वेद में इन दासियों की जो तस्वीर पेश की है, उसके मुताबिक वो बहुत ही काले चिपटी नाक वाले वैश्यों की तरह के हैं। दरहकीकत आर्या खुद भी किसी बड़ी तहजीब के नुमाइंदा नहीं थे, इसलिए उन्होंने यही समझा कि मकामी लोग भी उनकी तरह के ही होंगे। सिंध की तहसीब की दरियाफ्त से पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आर्यन की आमद से बहुत पहले यहाँ के लोग इंतहाई मुतमदन और तहसीब याफ्ता थे। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त मालूम हुआ जब दो शहरों के ऊपर से मलबे का पर्दा हटा, जिसकी वजह से पुरानी सब कहानियाँ गलत साबित हुईं। 1921 के बाद सर जॉन मार्शल ने अपने साथियों के हमरा जो आसार दरियाफ्त किए, उससे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक सबसे बड़ी तहजीब के बारे में आगाही हासिल हुई। 1925 में आसार कदीमा के माहरीन ने बहुत बड़े बड़े शहरों के खंडरात की दरियाफ्त का दावा किया, जिनका जिक्र किसी कदीम अदब में नहीं मिलता था। इन शहरों के खंडरात मौजूद थे और इनसे मकामी लोग कुछ ना कुछ निकालते रहते थे। खास तर्ज की मोहरों ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की और माहरीन का अंदाज़ा था कि जिन टीलों से ये मोहरें निकाली जा रही हैं, उनके नीचे कदीम आसार दफन हैं और ये मोहरें भी किसी कदीम अहद की तर्जमान हैं। कनिंगहम इन मोहरों पर कुंदा तस्वीरी रस्म अलखत के बारे में कहते थे कि ब्राह्मी रस्म अलखत इन्हीं तस्वीरी रस्म अलखत से निकला है। इन मोहरों के बारे में कहानियां काफ़ी अरसे तक बयान होती रहीं और फिर 1922 में मिस्टर आर डी बनर्जी सुप्रिटेंडेंट महकमा सारे कदीमा ने सिकंदर आजम के तामीर करदा मोहब्बतों की तलाश में मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। मुख्तलिफ जगहों से होते हुए वो सखर पहुंच गए और बिलाखर वो सखर से मोहनजोदड़ो तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मोहनजोदड़ो चंद टीलों पर मुश्तमिल एक मिट्टी का ढेर था। इन टीलों के ऊपर बुलंदियों पर खड़ा स्टूपा दूर से लोगों को अपनी तरह मतवज्जो करता था। बनर्जी मोहब्बत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और रास्ता साफ करवा के इस तक पहुंच गए। थोड़ी सी खुदाई से दो चार चाकू और कुछ अनोखी तर्ज के बर्तन मिले। इन दरियाफ्तों के बाद बनर्जी ने वहां खुदाई करवाने का फैसला कर लिया।
खुदाई के बाद ये बात बड़ी हैरान कुन थी कि धूप से खुश्क की हुई कच्ची ईंटों से बना हुआ यह स्तूपा ऐसे मीनार पर बनाया गया था जो आग से पकाई हुई सुरख पक्की ईंटों से बना हुआ था और दरिया से 40 फीट ऊंचा था। स्तूपा से खुदाई के वक्त कुछ लकड़ियां, कोयला और राख भी मिली, जिससे बैनर्जी ने यह अंदाजा लगाया कि कब्जे के बाद शायद किसी फातिया ने यहाँ आग लगा दी हो। फिर यह भी अंदाजा हुआ कि मोहब्बत की तामीर भिक्षुओं ने इन ईंटों से की जो जेर जमीन दफन थी। बैनर्जी की महदूद खुदाई के नतीज बड़े हौसला अफजा थे। सर जॉन मार्शल इन दिनों महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर थे। उन्होंने ज़ाती तौर पर इस दरियाफ्त में दिलचस्पी ली और यहाँ बड़े वसी पैमाने पर खुदाई करवाने का फैसला कर लिया। तकरीबन 1200 मजदूरों के साथ खुदाई शुरू हुई। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे जमीन के अंदर से अजायबात निकलते चले गए। पीतल, तांबा, कांसी, पत्थर की मुख्तलिफ अशिया जिनमें बर्तन, औजार, मुजस्मे, खिलौने, जेवरात और घरेलू इस्तेमाल की अशिया बरामद हुई। और फिर उस वक्त सबकी आंखें हैरत से खुली रह गई जब जमीन के अंदर से एक पूरा शहर ही बरामद हुआ, जो अहम तरीन शहर दरियाफ्त हुए 2 और 3 हजार कबल मसीह के दरमियानी जमाने में अपने अरूज पर थे। दोनों शहर वादी सिंध में दो बड़े दरियाओं के किनारे पर वाकिया थे। इनमें से एक सूबा सिंध में और दूसरा सूबा पंजाब में दरियाए रावी के किनारे पर वाकिया था और सूबा सिंध का शहर दरियाए सिंध के किनारे पर वाकिया था। पहले शहर को मोहनजोदाड़ो और दूसरे को हड़प्पा कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो का मतलब, मोहनजोदाड़ो एक वीरान टीला था जिसका मतलब सिंधी जुबान में मुर्दों की बस्ती था। इन शहरों की दरियाफ्त का मतलब ये था कि वादी सिंध की तारीख को एक नई सिंध मिल गई। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बड़ी शहरी दरियाफ्तें ये भी दरिया साबित करती थी कि इन शहरों के गिरदोनवा में कुछ ऐसे इलाके भी थे जो इन शहरों की कफालत करते थे और इन शहरों के लिए फाजल अनाज भी पैदा करते थे। ज़्यादा शहरों की मौजूदगी का ये मतलब हो सकता है कि कोई हुकूमत भी कायम हो जो फाजल अनाज की तकसीम का काम सर अंजाम देती होगी, लेकिन किसी हुकूमत ने अपनी मौजूदगी का कोई निशान नहीं छोड़ा। न जाने क्यों वो अपनी सियासी जिंदगी का कोई नमूना अपने पीछे छोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। एक बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि इतने बड़े शहर अपना तसलसल कायम रखने में कामयाब क्यों ना हो सके, क्योंकि अमूमन फातहीन कब्जे के बाद शहरी जिंदगी का तसलसल खुद आबाद होकर भी कायम रखते हैं और शहर पर काबिज रहते हैं। एक और हैरानकुन बात यह कि इन शहरों की तबाही के बाद वादी सिंध में कोई शहर आबाद होता हुआ दिखाई नहीं देता। इन सारे शहरों की सारी आबादी कहाँ चली गई? इन सवाल का जवाब अभी तक माहिरीन दरियाफ्त नहीं कर सके, क्योंकि वादी सिंध से जो तारीखी दस्तावेजात मिली हैं वो मोरों के चंद निशानों या बर्तनों के टुकड़ों पर चंद लकीरें थीं जिनमें से किसी का मानी और माफूम मालूम नहीं हो सका। जिन लोगों ने इस तहसीब को बर्बाद किया उन्होंने अपना कोई निशान इन शहरों पर बाकी क्यों नहीं छोड़ा? वादी सिंध में मिस्र की तरह के कोई अहराम बरामद नहीं हुए जिससे अंदाज़ा होता कि यहाँ कोई जंगजू बादशाह या कोई मजहबी हुकूमत पाई जाती थी। किसी महल के भी कोई आसार बरामद नहीं हुए और फातहीन की भी कोई यादगारें नहीं हैं। माहरीन आसार कदीमा के मुताबिक दोनों शहर एक ही हुकूमत के दारुल हुकूमत थे। वो हुकूमत किसकी थी जिन्होंने इन दोनों दारुल हुकूमतों को तामीर किया था, इसका भी कोई सबूत हमारे पास नहीं है। ये शहर किसी एक तहजीब के नुमाइंदा नहीं थे बल्कि कदीम जमानों की भी कई तहें बरामद हुई, गोया ये शहर कदीम जमानों का तसलसल थे। मोहनजोदड़ो के बाद
सर, हड़प्पा की खुदाई का काम 1940 में सर मोर्टिमर विलर ने किया और एक असीम शहर दरियाए रावी के किनारे उन्होंने दरियाफ्त किया। सर जॉन मार्शल ने जो काम किया और जो दरियाफ्ते की उनके नताइज 3 जिल्दों में उन्होंने शाया किए।